जोहार, जय मुनिवासी। मैं संकेत और आप देख रहे हैं टीवी। देश में हर साल 5 राज्यों के चुनाव होते हैं। अगले साल 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश के माने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिस राज्य पर अगर किसी राजनीतिक दल ने अपनी सत्ता बना ली तो दिल्ली के लिए उसके रास्ते खुल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जैसे अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, वैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो गई है। अब तक केवल एक ही चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर सुशील चंद्रा काम कर रहे थे, लेकिन इनके अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्तों को दो अन्य अधिकारियों को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इसमें से 2-3 दिन पहले ही अनूप चंद्र पांडे, इनको चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। माना जा रहा है कि वे योगी जी के बहुत करीबी है और बीजेपी के आइडियोलॉजी के समर्थन में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। इसी को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इसका क्या असर रहेगा, क्या परिणाम होंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब है। मैं उनका स्वागत करता हूँ एमएन टीवी पे इस चर्चा में। इसके अलावा एमएन टीवी के मुख्य संपादक मनोज कुमार काले सर है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह जो हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ने वाले हैं। कुछ ही समय में हम उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन सवालों का सिलसिला जो है वो मैं मिश्राम साहब से करना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति चुनाव आयोग के तौर पर की गई है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये नियुक्ति की गई है? ऐसे कहा जा सकता है, मगर ये बहुत दुखद बात है। संविधान में चुनाव आयोग को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने की जिम्मेदारी पर लगाया गया है, और उसके लिए संविधान ने उनको अथॉरिटी दी है। मगर टीएन सेशन और कुछ दूसरे, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर छोड़ दिए जाए, तो लगभग ऐसे बहुत सारे चुनाव कमिश्नर हैं, और खास तौर पर ईवीएम मशीन आने के बाद जो चुनाव कमिश्नर है उनका रोल बहुत ज़्यादा संदिग्ध रहा है। अब ये जो पांडे जी जो है, ये तीसरे नंबर के चुनाव कमिश्नर है, जी और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो 2024 तक के चुनाव में रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 2024 को मई में लोकसभा का चुनाव है, तब तक शायद इनको वो रहेंगे। तो वो केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि लोकसभा के चुनाव को भी ध्यान में रखकर उनको लाया गया होगा, ऐसा लगता है। सर, वो फरवरी तक ही रहेंगे, फरवरी फरवरी दो हजार हजार चौबीस चौबीस तक को हाँ, तो हो सकता है कि फरवरी 2024 तक जो है वो लोकसभा का चुनाव घोषित हो जाएगा, और तब तक चुनाव की जो तैयारी है उसमें भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी खामियां हैं, जिसके द्वारा, क्योंकि तो 2000 फरवरी तक 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी हो गई होगी, तो तैयारी की प्रक्रिया में भी बहुत सारा रोल प्ले किया जा सकता है। और पिछले समय में जो देखने में आया है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग का रोल ईवीएम मशीन के साथ जोड़कर देखने के बाद ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के समर्थन के बगैर ईवीएम का घोटाला करना संभव नहीं है। क्योंकि आपको मैं एक उत्तर प्रदेश के चुनाव के रेफरेंस में चर्चा है, और परमेंद्र प्रताप को भी बहुत सारे तजर्बे हैं इसके बारे में, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है, क्योंकि जी उनको उस चुनाव के दौरान जो तजर्बा हुआ है वो उनके पास तजर्बा है। आप लोगों के जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि 2016 में हमने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन के विरोध में केस दायर किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से बात को और उस
हियरिंग को आगे बढ़ाया ताकि उसका फैसला जो है, क्योंकि सारे सबूतों के साथ हम गए थे और वो फैसला उसके विरोध में और हमारे फेवर में होना था, तय था, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने दिए थे और केस हमने 2016 को किया था, तो 2016 के दिसंबर तक ये फैसला आ जाना चाहिए था। मगर बहुत मुश्किल से जनवरी में बहुत सारी डिफिकल्टी पार करने के बाद, बहुत सारे अवरोध सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही खड़े किए गए, उसके बाद में जनवरी में ही हियरिंग हुई 2017 के, और 2017 के जनवरी में हियरिंग हुई तो जनवरी में फैसला हो सकता था, फरवरी में फैसला हो सकता था, मगर मार्च में रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद अप्रैल माह में, यानी 24 अप्रैल 2017 को हमारे केस पर निर्णय दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव समाप्त होने के बाद। और उस दौरान भी हमने बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए थे, उसकी सारी फाइल अभी भी हमारे पास है। और उस समय फिर यह निर्णय दिया गया था कि 100% ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी, मगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पेपर ट्रेल मशीन 100% नहीं लगाई गई थी, बगैर पेपर ट्रेल मशीन के विधानसभा का चुनाव करवाया गया था। 5% सीटों पर लगाई गई थी सर, 5% सीटों पर लगाई गई थी, 5% का जो मामला है उसका कोई मीनिंग है नहीं है जी। 5% लगाई गई होगी उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब है केवल 20 जगह पर लगाई, 20 सीटों पर लगाई गई थी। हाँ, तो 383 सीटों पर लगाई नहीं है, 325 सीटें, 325 सीटें बीजेपी ने जीती, ऐसा कोई चमत्कार तो उन्होंने करके नहीं दिखाया था जी, ऐसी कोई वजह भी नहीं थी कि 325 सीटें वो जीत सकते हैं जी। अगर ऐसा रिजल्ट आया था, मगर सर पिछले तीन उत्तर प्रदेश के उसी समय का एक तजर्बा है जी। कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी के, उनको संगठन के तरफ से ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि अधिकारी से आप वोट ऑफ परसेंटेज एक विधानसभा में कितना हुआ है उसको लिखित रूप से हमें जवाब दिया जाए, ऐसा लेटर दिया गया था, शायद वाराणसी का जी। तो वो अधिकारी ने पहले तो डिनाई कर दिया, बाद में प्रेशर डालने की वजह से वो राजी हो गया। उसके बाद जब उसके पास गए तो उसने कहा कि यदि मैं ये परसेंटेज आपको दू और काउंटिंग में अगर ज्यादा वोट निकला तो नहीं मैं नहीं दे सकता, ऐसा करके फिर उसने डिनाई कर दिया जी। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, मुख्य इलेक्टोरल ऑफिसर, लखनऊ में बैठता था, उसके बाद भी कंप्लेन की गई थी जी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उसका सारा डेटा जो है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाया गया था और वो एविडेंस जो है अगले बार के केस में रखने के लिए हमने कहा था, जो 2018 में दोबारा हमने केस दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सारा डाटा हमने उसमें उपयोग किया था जी। तो ऐसी बहुत सारे एविडेंसेस 2017 के विधानसभा के चुनाव के सबूत के तौर पर हमारे पास थे जी, और खुद इलेक्शन कंडक्ट करने वाले अधिकारी ऐसा कह रहे थे जी कि यदि वोट ऑफ परसेंटेज अगर हम आपको दे दे तो काउंटिंग के बाद अगर ज्यादा वोट निकले तो फिर तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इसका मतलब अधिकारी लोग भी जानते थे कि ये सारा गड़बड़ी होती है जी। सारा चुनाव आयोग इस बात को जानता है, मतलब ये जो ईवीएम मशीन का घोटाला है उसमें रूल फ्रेम करने के लिए भारत सरकार शामिल है, पार्लियामेंट शामिल है, जुडिशियरी शामिल है सुप्रीम कोर्ट तक, फिर
उसके बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिनके निगरानी नियंत्रण में चुनाव कंडक्ट करवाया जाता है वो शामिल है, मीडिया को सारी चीजों की जानकारी है, इसके बावजूद भी मीडिया जो है इसमें किसी प्रकार का कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो सारी की सारी जानकारी है जी। इतने सारे लोग और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस घोटाले को लेकर गठबंधन है, इतने सारे लोग जो है इस घोटाले में शामिल है और इस घोटाले के सबूत हमारे पास है और हमने सुप्रीम कोर्ट को दिए, तो चुनाव आयोग एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी है, उसके सक्रिय रोल के बगैर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संभव नहीं है। अभी पांडे जी को वहां लगाया गया है तो पूर्व में जिस तरह से चुनाव आयोग का रोल रहा है वैसा ही रोल रहने की संभावना इसके माध्यम से व्यक्त की जा सकती है जी। प्रवेंद्र प्रताप सिंह जो बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में उनके पास कई सारी बारीक जानकारियां है। जैसे निशान साहब ने भी कहा कि वाराणसी 2017 के विधानसभा चुनाव के बारे में भी उनका काफी अच्छा अनुभव है, अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, कड़वा अनुभव है चुनाव आयोग के साथ में उनका, तो उनसे हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो प्रवेंद्र प्रताप जी आपका स्वागत है एमएन टीवी पर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अनुप चंद्र पांडे की जो नियुक्ति अभी चुनाव आयुक्त के तौर पर की गई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और जिसका जिक्र अभी विश्राम साहब ने कहा 2017 के विधानसभा चुनाव के बारे में, तो उसकी कुछ बातें, उसका कुछ अनुभव जो है, कड़वा अनुभव जो है वो हमें बताइए जी। बिल्कुल संकेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने स्टूडियो में हमको बुलाया, हमें जगह दिया। जहां तक अनुप चंद्र पांडे के संदर्भ में, जो अभी हाल ही में 8 तारीख को मंगलवार को उनको नियुक्ति दी गई, इससे पहले वो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और बहुत विवादास्पद उत्तर प्रदेश में कई सारे अखबारों ने, जनसत्ता हो या द वायर का अंग्रेजी अखबार हो, तमाम अखबारों ने इस पर जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। और वैसे भी लोगों में, क्योंकि इनकी ईमानदारी पर हमेशा ये जो आज्ञाकारी जिस तरीके से सरकार के प्रति संविधान को ताक पर रखते हुए केवल एक व्यक्ति विशेष और एक विचारधारा को लेकर के, सनातनी विचारधारा को लेकर के जो उनकी व्यवहार है को लेकर के सवाल खड़ा किए हैं। ये निष्पक्ष तौर पर जो है इस नियुक्ति को लेकर के काफी बवाल अभी चल रहा है। तो जहां तक अभी मिश्रा साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश को लेकर के, मैं खुद प्रत्यक्ष गवाह हूं इस बात का कि यूपी में बार बार डाटा मांगने के बाद भी वाराणसी सीट जहां से लोकसभा चुनाव जीत करके खुद नरेंद्र मोदी जी जो देश के पीएम है वो गए थे, उन्हीं की अंदर में उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में ही हम लोगों ने डाटा मांगा था, तो वो डाटा हमें आखिरी आवर तक नहीं दिया। केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है बल्कि हरियाणा के अंदर में भिवानी सीट पर भी मैं था जब हरियाणा का जनरल इलेक्शन था, वहां भी सेंट्रल ऑब्जर्वर जो लगाए हुए थे वहां भी हम लोगों ने तमाम प्रयास किए हमारे दो दो कैंडिडेट के माध्यम से, वहां भी हमको डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था। हमने कहा कि चुनाव से पहले का जिस दिन वोटिंग हुई है 5 बजे तक आप डिक्लेयर करते हो कि इतने परसेंट वोट हो गए, और डिक्लेयर कर रहे हो तो आप हमें जो आपका निर्धारित फॉर्म है, परफॉर्मा है, उस पर आप भर के दीजिए। एप्लीकेशन किया हमने, बोले देते हैं अभी थोड़ा आ रहा है डाटा, आ रहा है, हम आपको पहुंचा देंगे, देर रात तक दे देंगे, इस तरीके से कहा गया उनकी तरफ से। हमने कहा चुनाव से पहले हमें आंकड़ा चाहिए, काउंटिंग से पहले और काउंटिंग के बाद का भी चाहिए। तो ये शुरू से ही विवादास्पद रहा है, केवल बीजेपी ही नहीं कर रही है इस काम को, कांग्रेस भी पहले से करती चलाई आई है। चुनाव आयोग शुरू से ही निष्पक्ष नहीं रहा है अपने तरीके से। जैसे आप देखते हैं कि क्रिकेट के खेल के अंदर में सारा जो कप्तान होता है वो अपने तरीके से सारे फील्डर को सेट करता है, तो चुनाव से पहले इन्होंने भी अपने सारे फील्डिंग को सेट करने का काम किया है। अनुप चंद्र पार्टी की जो नियुक्ति है इनको लेकर के काफी बवाल हो रहा है अभी। संकेत जी, मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जो 5 राज्यों का चुनाव है ये कोई सामान्य बात नहीं है। 5 राज्यों के अंदर में 690 सीट आती है विधानसभा की, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 4 का मामला, यहाँ पर 5 राज्यों में से केवल एक पंजाब को छोड़ करके जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सभी 4 राज्यों के अंदर में बीजेपी की गवर्नमेंट वर्तमान में है। तो ये अपनी अस्मिता बचाने के लिए सवाल है इनका जो है कि कैसे बचाया जाए। जनता उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूरी तरीके से इनको नकार चुकी है क्योंकि वैलिड पेपर से चुनाव हुआ। अभी अप्रैल माह में पूरी तरीके से
चारों खाने चीत हो चुकी है और बहुत सारा उसमें भी इन्होंने बेईमानी करने का काम किया, जीते हुए लोगों को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया इन लोगों ने, तो उसको कैसे बचाया जाए। इसलिए उत्तर प्रदेश कैडर के ही इनके जो आज्ञाकारी रहे हैं आदित्य योगीनाथ जी के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर, कई सारी योजनाएं इन्होंने इस तरीके चलाई, मैं अभी जिक्र करूंगा उसके बारे में, तो वो उनको अभी चीफ सेक्रेटरी जो भड़काऊ भाषण करने का मामला हो, कैसे कैसे वो उनके ऊपर में कार्रवाई कर सकते हैं जो उनका बॉस रहा हो पहले से ही, तो एक सवाल संदेह का मामला है ये। परविंदर जी, मगर मैं उसमें थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा जी। पांडे जी ने तो बहन जी के साथ में भी काम किया है, जब बहन जी का 5 साल का राज रहा 2007 से लेकर 2012 तक, उस समय भी वो प्रशासनिक सेवा में थे, फिर अखिलेश जी के साथ में भी उन्होंने काम किया है, तो उत्तर प्रदेश में तो काफी समय उनका गया हुआ है, लंबा प्रशासनिक अनुभव उनका केवल बीजेपी के साथ नहीं रहा, बहन जी और अखिलेश के साथ में भी रहा हुआ, तो क्या ये बात बहन जी और अखिलेश के ऊपर भी लागू नहीं होती क्या कि उन्होंने भी उस समय उस विचारधारा या उनका जो पार्टी का जो एजेंडा था वो प्रशासन में रहकर चलाया होगा। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको एक जिक्र किया था अभी कुमार साहब कि चाहे बहन जी की सरकार रही हो और चाहे अखिलेश जी की सरकार रही हो, सिस्टम हमेशा एक विचारधारा के आधार पर चलता है, उस विचारधारा उस सनातनी विचारधारा को कैसे वो अपने सिस्टम को चेंज नहीं करते बिल्कुल भी। उस समय भी रिजर्वेशन का मुद्दा आया था, चीफ सेक्रेटरी को छोटी पोस्ट नहीं होती है, रिजर्वेशन के संदर्भ में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने की बात आती है या और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, तो ये उसमें भी इन्होंने जो है अपने अपने एक विशेष वर्ग को बचाने के लिए ही सारा काम किया। सरकार चाहे जिसकी हो, समाजवादी की हो या बहुजन समाज पार्टी की हो, तो सिस्टम ये अपने उसके हिसाब से चलते हैं। तो अभी तो ये पूरे ऑल इंडिया का मामला है, ये तो पूरा जो एक निष्पक्ष संस्था है उस संस्था के ऊपर में इस तरीके से एक विशेष विचारधारा के जो लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं, ये प्रशासनिक उसमें बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने का मामला है सर। जी बिल्कुल मिश्रण साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि बीजेपी ने अब तक जो नियुक्तियां की है वो प्रशासनिक कम और राजनीतिक लाभ के लिए ज्यादा नजर आती है, तो ऐसे में इन उन, उन संस्थाओं की जो संवैधानिक मान्यता है या विश्वसनीयता समाज के अंदर या देश के अंदर होनी चाहिए वो भी घटती आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो सरकारें है ईवीएम के बाद में वो चुनाव आयोग के बारे में बहुत सतर्क है, क्योंकि चुनाव आयोग के मर्जी के बगैर या चुनाव आयोग के समर्थन के बगैर ईवीएम के द्वारा घोटाला करवाया जाना संभव नहीं है, तो इसलिए चुनाव कमिश्नरों की नियुक्ति के बारे में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया जाता है, एक तो ये महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था तो वो भी ईवीएम का घोटाला करवा करके उनको बहुमत दिलवाया गया था, मायावती को, वो उनके अपने समर्थन से सरकार नहीं बनी थी। ये एक बड़ी वजह है कि मायावती ने 2017 के चुनाव के पहले तक ईवीएम के विरोध में कोई स्टैंड नहीं लिया। 2017 में जब उसको चुनाव में हरवाया गया, बड़े पैमाने पर हरवाया गया, तब जाकर वो मैदान में उतरी, जबकि 2-3 महीने पहले मैंने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मायावती को भेजे थे, मगर कुछ भी नहीं बोली। और जब मैंने लिखकर भेजे हुई बातें की तरह ही हो गया बात, मैंने पहले ही कहा था मायावती को कि आपको चुनाव में हरवाया जाएगा, ऐसे हुआ। जब वो टीवी पर आई तो टीवी पर भी उन्होंने कहा कि हमारे पुराने बामसेब के कार्यकर्ता ने मुझे सारा डाटा दिया था, वो मैंने भेजा था उसको, मगर कोई स्टैंड नहीं लिया था। उसके बाद में मायावती ने आंदोलन करेंगे ऐलान किया, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उसको मैसेज दिया कि बहन जी अगर आपको ईवीएम के विरोध में कोई आंदोलन करना है तो आप कर सकती है, मगर आपका जेल में हम स्वागत करेंगे। तो मायावती चुप हो गई, किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं चलाया। तो ये जो पांडे जी मायावती के शासन में भी अधिकारी थे जी,
अगर इसको क्लब करके देखा जाए तो वो उस समय भी वही काम कर रहे थे जो बीजेपी के समय में कर रहे थे जी। तो इसलिए मायावती को उन्होंने साथ दिया या किसको साथ दिया, तो वो यही एक बड़ी वजह है जिसका कारण बीजेपी ने बताया कि जब बहन जी आपको पूर्ण बहुमत मिला था तब ईवीएम में घोटाला नहीं हुआ था, जब हमको पूर्ण बहुमत मिला तो ईवीएम में घोटाला हो गया। सर अखिलेश का ये लॉजिक जो है उन्होंने ये लॉजिक पहले से बना कर रखा कि इनको एक बार अवसर देते तो बार में हम लोगों को अवसर मिलेगा और इसका इसको चुप कराने के लिए इसका उपयोग करेंगे, ऐसा किया उन्होंने। मैंने कई बार ये बात कही। सर अखिलेश को भी तो 5 साल का पूरा बहुमत मिला। तो असल में क्या है, ये सारी बातें ये एक ईवीएम की वजह से क्या हो रहा है कि इस देश का शासक वर्ग निर्धारित करने लायक हो गया कि राज्य में किसको सत्ता पर लाया जाना चाहिए। जी। इवन ईवीएम की वजह से एक बहुत गंभीर बात हो गई, पार्टी के अंदर अगर कोई नेता के विरोध में विद्रोह करने वाला आदमी या अनसुनी करने वाला कोई नेता है, वो उसकी बात ना मानने वाला है, तो पार्टी उसको टिकट भी देती है और ईवीएम के द्वारा उसको हरवा भी देती है। यशवंत सिन्हा का उदाहरण ले लो, शत्रुघ्न सिन्हा का उदाहरण ले लो, बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी ने अब के विरोधियों को टिकट भी दिया और हरवा भी दिया। महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे की बेटी जो है पंकजा मुंडे को फडणवीस ने टिकट भी दिया और हरवा भी दिया जी। एकनाथ खड़से को तो टिकट ही नहीं दिया जी। तो ये एक बहुत भयंकर हथियार जो शासक वर्ग है उनके नियंत्रण में आ गया है कि वो किसी इंडिविजुअल को हरवाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी पार्टी को चुनाव में जीतवाना है, कितनी सीटें जीतवाना है और उसको सत्ता में लाना है या नहीं लाना है। वो इतना भयंकर परिणाम हो गया है इसका, ईवीएम मशीन का। और ईवीएम मशीन का चुनाव आयोग के साथ बहुत ज्यादा, ऐसा कह सकते हैं कि ईवीएम मशीन चुनाव आयोग की वजह से ही जिंदा है, चुनाव आयोग की वजह से वो फायदा पहुंचाने में कामयाब होते हैं। चुनाव आयोग मेजर रोल प्ले करता है इस घोटाले में जी। चुनाव आयोग को जब हमारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 24 अप्रैल 2017 को, जब ये निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 100% जगह पर पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाएगा, जबकि चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद 2014 के चुनाव में इसको लगाना चाहिए था, चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। 2014 में नहीं लगाया, 15 में नहीं लगाया, 16 में नहीं लगाया, 17 में भी नहीं लगाया, चुनाव आयोग ने लगा। और जब ऑर्डर आया 24 अप्रैल 2017 को, तो चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने साथ मिलकर कांग्रेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 50% पेपर ट्रेल मशीन का मिलान करने का, काउंटिंग करने का ऑर्डर है, मिलान करने का मामला फिर षड्यंत्र करके चुनाव आयोग कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर 2019 के चुनाव में लाया जी। ये सारा गठबंधन है और इसकी वजह से भारत का जो चुनाव है वो एक नौटंकी हो गई है। सर जैसे अभी आपने वीवीपीएटी के मिलान की बात कही, तो बंगाल, आसाम या साउथ में जिन केरला और तमिलनाडु के स्टेट में इलेक्शंस हुए, तो वहां पर चुनाव के बाद में वीवीपीएटी के मिलान को लेकर कहीं कोई शिकायत सामने नहीं आई, मगर टाइम्स ऑफ इंडिया में और दूसरे अखबारों में चुनाव आयोग ने खबर डाली कि वीवीपीएटी और ईवीएम मशीन के वोट परफेक्ट मिलान हो गया। हाँ तो सर मतलब आपने ऐसी खबर पढ़ी होगी, हमने पढ़ी जी। मगर किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि ऐसे मिलान का कोई काम हुआ किसी पार्टी के साथ। इवन बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग भी वहां चुनाव थे, चुनाव में थे,
अगर उन्होंने भी इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि मिलान करने का काम हुआ और यह हमें बुलाया गया था। सर हमने दिया था, हमने लिखित में दिया हुआ, चुनाव आयोग ने हमारा सुना नहीं था। हमने कई, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी भी हजारों हमारे पास में एफिडेविट हैं मतदाताओं के, जिन्होंने अपने सिग्नेचर से ओथ लेते हुए हमको सर्टिफिकेट भेजे, मतलब एफिडेविट भेजे कि हमने बहुजन मुक्ति पार्टी के फला कैंडिडेट को फला तारीख को हमने वोट दिया, इसका डाटा तुम्हारे पास अवेलेबल है, हमारा वोट काउंटिंग में बूथ पर नहीं निकला है, इसका हमें वेरीफाई कराया जाए। हमने मांग किया था मगर वो अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। वीवीपीएटी के लिए भी हरियाणा में भी हम लोगों ने इसके लिए बवाल खड़ा किया था तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं किया गया उस समय। वो पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं तो चुनाव आयोग, ये जो परमेंद्र बोल रहे हैं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जो बहुजन मुक्ति पार्टी के, तो चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा संवैधानिक अधिकार फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए, और अभी परमेंद्र जी के द्वारा जो कहा गया वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए मांग कर रहे थे जी। तो इस काम के लिए स्वतः पुढ़ाकार लिया जाना चाहिए, स्वतः पहल करना चाहिए। ये मतदाताओं के द्वारा एफिडेविट देने के बाद भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। कम से कम 1500 एफिडेविट है सर उत्तर प्रदेश के केस के हमारे सामने, वो कईयों के तो वोट भी नहीं निकला वहां पर हमारा जो है। ईवीएम के माध्यम से, हम ईवीएम के समर्थन में नहीं है बल्कि बहुजन मुक्ति पार्टी, मैं एमएनटीवी को बताना चाहता हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वीएल मातंग साहब के नेतृत्व में 20 जनवरी 2015 को भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम ही लोगों ने सबसे पहले ईवीएम की अर्थी उठाने का काम किया, उनके मॉडल्स को जलाने का काम किया जी। हर जगह जिला मुख्यालयों पर हम लोगों ने काम किया। एक बड़ी घटना थी ऐतिहासिक तौर पर, किसी पार्टी के लोग हमारा पंपलेट पकड़ने के लिए तैयार नहीं थे उस समय कि भाई ये आप क्या मजाक कर रहे हो, आप ये कैसे हो सकता है गड़बड़ी जो है इस तरीके से। मैंने खुद उस समय, मैं 20 जनवरी 2015 को लखनऊ राजधानी के सामने था उस वक्त में, हम लोग कम से कम 15-20 लोग थे और 3 ट्रक पुलिस फोर्स थी विधानसभा के सामने, अंबेडकर महासभा में हम लोग इकट्ठे हुए थे और उसके बावजूद भी एडीएम सिटी आए हुए थे, बोले क्या बवाल है। हमने कहा आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, इस निर्णय के हिसाब से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए उन्होंने कहा है, वीवीपीएटी लगाने का आदेश किया है, बगैर वीवीपीएटी के सारा काम चल रहा है, तो इसका हम जागरण कर रहे हैं, 14 में घोटाला हुआ है, इसके लिए हम पब्लिक को जागृत कर रहे हैं। बोले यहाँ क्यों जागृत कर रहे हो, आप गांव देहात में करो, मैं यहाँ सारे लोग सही है क्या, शहर में आप यहाँ क्या किस आधार पर कह सकते हो कि आपने यहाँ सिटी के अंदर में घोटाला नहीं हुआ है, ऐसा कोई सबूत आपके पास में है। बोले कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मैंने उनके हाथ में एडीएम सिटी को दिया था लखनऊ के उस वक्त में। फिर बोले कि आप बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, विधानसभा के सामने प्रदर्शन नहीं कर सकते। वो तमाम पुलिस फोर्स आज भी इंटरनेट पे गूगल पे देखेंगे तो आपको सारा चीज मिलेगा। हम ही लोग हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, जो कि हम लोगों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर हम लोगों ने पूरे भारत में ये अर्थी उठाने का काम किया, बाकी किसी पार्टी ने नहीं किया। मायावती जी ने बाद में किया, अखिलेश भाई ने बाद में किया, 17 के चुनाव हारने के बाद में इन लोगों ने किया, और तमाम 21 पार्टी के लोग भी चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में हो या कांग्रेस के नेतृत्व में हो, इन तमाम लोगों ने भी उस समय जो है कहा कि हम बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लिखित में दिया है इन लोगों ने, केवल बोला नहीं लिखित में दिया, मगर चुनाव आयोग हमारी नहीं बल्कि ये हमारे एक्शन के बाद में इन सारी पार्टियों ने सारा देश भर के अंदर में हंगामा खड़ा किया, मगर उनको व्यक्तिगत तौर पर फंसा करके इन लोगों ने जो है एक एक करके उनको टारगेट किया, किसी को ऐसी संपत्ति का डर दिखाया, किसी को कुछ दिखाया, इस तरीके से सबको चुप कराने का काम किया। ये भी ममता बनर्जी भी थी, बंगाल के चुनाव में भी एक बड़ा घोटाला हुआ है आपस में, या आपसी समझ के तौर पे जो है 30 सीटों से 83 सीट तक पहुंचने वाली बीजेपी जो है वो किस तरीके से वो मैं नहीं मानता कि बीजेपी चुनाव हारी है, चुनाव जीती है वो। उधर में ममता बनर्जी को लेकर के वो भले ही चीफ मिनिस्टर है आज की तारीख में, मगर फिर भी इस मुद्दे को लेकर के ईवीएम में आपसी समझौता उन्होंने किया है, घोटाला करके चुनाव जीता है जी। जी बिल्कुल, अलग अलग राज्यों में जो राजनीतिक दल है, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो राज ठाकरे ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया था, इसके अलावा अखिलेश यादव हो, मायावती हो, या अभी जैसा रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तरफ से भी वो मुद्दा उठाया गया था, उनके सांसद जो है वो चुनाव आयोग से भी मिले थे।
उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। तो अलग अलग राजनीतिक दलों ने फिर चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया था, लेकिन केंद्रीय स्तर पर इसको लेकर कोई आंदोलन बनता हुआ दिखाई नहीं दिया। 2014 से अगर 5 साल 6 साल हो गए हैं, इसकी क्या वजह रही, क्यों इन ये राजनीतिक दल चुनाव से पहले या चुनाव के बाद ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं लेकिन उसके लिए कोई ठोस कदम या कोई ठोस आंदोलन करते हुए दिखाई नहीं देते? विश्राम साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहली बात तो ये है कि एक एनडीए गठबंधन है, एक यूपीए गठबंधन है। यूपीए गठबंधन कांग्रेस ने बनाया, एनडीए गठबंधन बीजेपी ने बनाया। तो बीजेपी और कांग्रेस का ईवीएम को लेकर गठबंधन है, तो यूपीए के अंतर्गत आने वाली जो छोटी पार्टियां रीजनल लेवल की पार्टियां है वो कांग्रेस को नाराज नहीं करना चाहती इसलिए चुप है, और एनडीए के अंदर जो छोटे दल है वो बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहते इसलिए चुप है। चुप होने की एक और वजह है कि एनडीए में रहकर अगर मान लो ईवीएम का घोटाला होता है तो ज्यादा फायदा बीजेपी को होता है तो थोड़ा थोड़ा फायदा रीजनल पार्टियों का भी होता है, तो इसलिए वो चुप होते हैं। एक बात। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वजह से राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन इस पर होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। 2019 के चुनाव में 21 पार्टी के लोगों के विरोध में जब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय चला गया था तो ये 8 अप्रैल को रात में ये निर्णय हुआ था जी कि 23 मई को सारे देश भर में बीजेपी को अगर ईवीएम में घोटाला करते हैं तो आंदोलन करेंगे जी। तो ये जानकारी डिस्क्लोज होने की वजह से ही भारत सरकार के होम अफेयर्स ऑफ इंडिया के मिनिस्टर राजनाथ ने 22 तारीख को ही सारे देश भर में हाई अलर्ट घोषित किया था जी 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 बिल्कुल कि ऐसा आंदोलन होने वाला है जी। मगर आपको याद होगा 3:30-4 बजे के दरमियान 5 बजे से आंदोलन शुरू होने वाला था, तो 4 बजे के आसपास राहुल गांधी टीवी पर आ गए और आकर अभी कोई रिजल्ट नहीं लगा था, 1 भी सीट बीजेपी ने नहीं जीती थी, केवल रुझान में वो आगे थी, तो राहुल गांधी ने बीजेपी के जीत को स्वीकार कर लिया और मोदी को बधाई दी और बधाई दी मोदी को जी। और ऐसा जैसे ही हुआ, अरे भाई रिजल्ट आया नहीं और आपने बधाई दिया, उसके पीछे का कारण था 5 बजे से आंदोलन होने वाला था, 21-22 पार्टियों के अंदर यह डिसाइड हो गया था। बाद में बीजेपी ने कांग्रेस के लोगों को प्रेशर किया होगा कि आपके साथ हमारा गुप्त समझौता है, यदि इस गुप्त समझौते का कांग्रेस उल्लंघन करती है तो हम भी सारे सबूतों के साथ कांग्रेस के विरोध में मैदान में डटेंगे। उसके बाद कांग्रेस ने इस आंदोलन से अपने आप को विड्रॉ किया, उसमें एक ही पार्टी जो है नेशनल लेवल की थी कांग्रेस, बाकी सारी रीजनल पार्टियां थी। अगर कांग्रेस विड्रॉ होती है तो नेशनल लेवल का आंदोलन हो नहीं सकता, वो गुमराह करने का काम किया। कांग्रेस ने लीड करने का काम किया, नौटंकी थी, मिसलीड किया, विश्वासघात करने का काम किया जी बिल्कुल। हाँ, ये शब्द जो है खंजीर खुपसने का काम किया, खंजीर भोपने का काम किया, ऐसा चंद्रबाबू नायडू की तरफ से उनके पीए के द्वारा हमको जानकारी मिली जी। उन्होंने कोई पब्लिक बयान नहीं दिया मगर उसके पीए ने कहा कि चंद्रबाबू का यह कहना है कि कांग्रेस ने खंजीर घोपने का काम किया। तो इस तरह से ये सारा का सारा मामला जो है दूसरी वजह। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज तक मैं भी नहीं बोला हूं मगर ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने वाला हूं जी। वो बात यह है कि 8 अक्टूबर 2013 को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया जी, वो बैलेट पेपर पेपर ट्रेल मशीन के अंदर निकलने वाले बैलेट पेपर की रिकाउंटिंग का जी। आपको याद होगा कुमार जी,
कि बैलेट पेपर पर जब चुनाव होता था और जब कोई कैंडिडेट चुनाव हार जाता था, वो कभी हार मानता नहीं था, तो रिकाउंटिंग की मांग करता था जी। तो बैलेट पेपर में भी रिकाउंटिंग होती थी, रिकॉर्ड अवेलेबल है, कानूनी प्रावधान है, रिकॉर्ड अवेलेबल है, रिकाउंटिंग हुआ है। रिकाउंटिंग में कभी कभी जीता हुआ हार गया है, हारा हुआ जीत गया है, ऐसा रिकॉर्ड चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में अवेलेबल है। इस हिसाब से 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के पेपर ट्रेल मशीन का जो बैलेट है उसकी रिकाउंटिंग का निर्णय एकदम लॉजिकल निर्णय था। लीगल निर्णय भी था, लॉजिकल निर्णय भी था, और पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की रिकाउंटिंग से ही ईवीएम मशीन का घोटाला पकड़ा जा सकता है, मिलान करने से नहीं पकड़ा जा सकता, रिकाउंटिंग करने से पकड़ा जा सकता है। जब रिकाउंटिंग से घोटाला पकड़ा जा सकता है, जब यह चुनाव आयोग की बात समझ में आई, तब चुनाव आयोग ने भारत सरकार और इन लोगों के साथ मिलकर ये मिलान करने का मामला खड़ा किया और उसे इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर लगाई, और कांग्रेस इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2019 को मिलान करने का निर्णय दिया जी। वो मिलान करने का निर्णय से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के चुनाव के लिए बहुत खास बात बता रहा हूं, मैं भी पहली बार बोल रहा हूं जी। सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट है जी। एक रिकाउंटिंग का जजमेंट है जी। और एक मिलान करने का जजमेंट है जी। मिलान करने से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, रिकाउंटिंग करने से ही फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो सकता है। मगर यह धोखाधड़ी 2019 के चुनाव में बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए यह करवाया गया था, और ये मेरी वजह से 100% जगह पेपर ट्रेल मशीन लगी। उसके बाद शासक वर्ग ने, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर कि अब 100% लग गई, हम तो लगाना नहीं चाहते थे, लग गई वामन मेश्राम की वजह से। अगर लग गई है तो अब कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, तो उन्होंने ये रास्ता निकाला। अभी भी मेरी केस पेंडिंग है, अभी 100% हीरिंग हो नहीं रही है, अभी भी मेरी केस पेंडिंग है जी। अब मैं उसके पीछे लगा हुआ हूं, और एक दो केस में 2019 के चुनाव के बारे में भी मैं केस दायर करने वाला हूं। और ये जो बात अभी मैंने आपको कही कि मिलान से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, रिकाउंटिंग से ही हो सकता है, क्योंकि ए फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए कुमार जी दो जजमेंट है अभी सुप्रीम कोर्ट के। मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं जी? फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए दो जजमेंट है, एक रिकाउंटिंग का और एक मिलान का। मिलान से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, रिकाउंटिंग से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो सकता है। ये इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाऊंगा जी। और आखिरी बात, ये लॉकडाउन अगर नहीं होता तो अब तक ईवीएम मशीन पर भारत बंद का हमारा कार्यक्रम हो गया होता, क्योंकि पहले के मुकाबले में अब ईवीएम के घोटाले के बारे में भारतीय प्रजा जो है ज्यादा जागृत हो गई है। जब मैंने भारत व्यापी भंडाफोड़ अभियान शुरू किया था, उसके पहले लोग जागृत नहीं थे। जब मैंने 10 महीने की परिवर्तन यात्रा निकाली, वो साल भर चलने वाली थी, और दो महीने का एक कार्यक्रम रह गया था केरला और तमिलनाडु का, और ये लॉकडाउन घोषित हो गया। अभी भी वो अधूरा कार्यक्रम है, पूरा करने वाला हूं, वहां जाऊंगा। तो उस समय के पहले की स्थिति और अब लोगों में ईवीएम के घोटाले के बारे में बड़े पैमाने पर जागृत है, लोगों में भी है, पार्टियों में भी है। हर चुनाव के दौरान ईवीएम के घोटाले की चर्चा शुरू हो जाती है। अब देखो, पांडे को चुनाव कमिश्नर बनाया और ये घोटाले की चर्चा उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई होगी। इसके बारे में तो बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष परमेंद्र प्रताप ही बता सकते हैं।
जोगेंद्र जी, लेकिन लेकिन सर उससे पहले मिश्राम साहब से मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि एनडीए गठबंधन में जो क्षेत्रीय दल है वो ईवीएम का विरोध नहीं करते या उतने बड़े 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 पैमाने पर नहीं होता, या यूपीए गठबंधन में जो शामिल है वो भी नहीं करते, लेकिन ऐसे भी दल भारत में है, राजनीतिक दल है जो ना एनडीए में है ना यूपीए में है। महाराष्ट्र की बात करें तो राज ठाकरे, दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी, वो ना एनडीए में है ना यूपीए में है, तो वो उनकी क्या मजबूरियां है, वो क्यों नहीं ईवीएम पर खुलकर आंदोलन करते, पुल पर बात करते? उनको दिल्ली में फायदा पहुंचाया गया अरविंद केजरीवाल को, और राज ठाकरे के बारे में आपको याद होगा शायद कि राज ठाकरे को जब पिछली बार चुनाव हरवाया गया था विधानसभा के दौरान जी, तो उसने कि ऐसा क्यों हुआ, उसने एक सारे प्रदेश की यात्रा की थी और नागपुर गए थे। नागपुर में जाने के बाद वहां उन्होंने एक बयान दिया कि बहुत कुछ भयंकर हो गया है, वो सारा डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया है, बॉम्बे में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वो सारा का सारा भंडाफोड़ करूंगा, ऐसा ऐलान राज ठाकरे ने किया था। नागपुर के लोकमत में ये खबर छपके आई थी, फिर वो बॉम्बे गया, मुख्यमंत्री फडणवीस थे, फडणवीस ने राज ठाकरे को बुलाया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले, और उसके बाद राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भूले गया, वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं ना जानकारी दी, चुप हो गया, क्योंकि ऐसा जानकारी मिली, अंदरूनी जानकारी मिली कि राज ठाकरे के साथ भी हमारा समझौता हो सकता है चुनाव में जी। ऐसी चर्चा हुई और उसके बाद वो चुप हो गया, तो राज ठाकरे को लगा कि शिवसेना का और बीजेपी का झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े में हमारी एंट्री हो सकती है बीजेपी के साथ में, तो उसने राज ठाकरे ने ईवीएम के विरोध में स्टैंड लेने के पहले चुप हो गया जी। इसके पहले भी मैं बोल चुका हूं जी, ऐसी भी चर्चा थी कि ईडी के द्वारा भी राज ठाकरे की इंक्वायरी हुई थी, लंबी 1.5-2 घंटे की इंक्वायरी हुई थी, और उसके बाद वो ईवीएम का जो मुद्दा है, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना या आंदोलन करना, वो मामला पीछे रह गया। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैं एक कारण बता रहा हूँ, वो तो फडणवीस के साथ बातचीत होने के बाद ही हुआ ना, यानी उसको चुप कराने के लिए प्रयास किया गया, यही तो आप कह रहे हैं जी? जी बिल्कुल। रविंदर जी, मैं रविंदर जी, मैं एक जैसे अभी ईवीएम का मुद्दा आया और लोक जागरण का एक मुद्दा उसमें सामने आया, आपने भी अभी बताया कि बैलेट पेपर पर पंचायत के चुनाव हुए तो उसमें सबसे ज्यादा निर्दलीय लोग चुनकर आए, फिर समाजवादी के लोग रहे, बिल्कुल। सत्ता में होने के बावजूद, पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो जीत नहीं पाई। तो ये जो ईवीएम का जो मुद्दा है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, बहुत बड़ा प्रदेश है, देश का मुस्तकबिल तय करने वाला प्रदेश है, तो इतनी बड़ी 20 करोड़ की आबादी तक ये ईवीएम की साजिश अगर आपको लेकर जाना है तो क्या अभी ये 8-9 महीने का समय बाकी है चुनाव के लिए, तो उसके लिए क्या आप तैयार हो, या उसके लिए कोई संगठनात्मक प्रयास हो रहा है क्या ईवीएम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए? जी बिल्कुल हो रहा है सर, अभी हम लोग जल्दी ही उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार, अभी जैसे लॉकडाउन की वजह से हमारा बहुत सारा समय बर्बाद किया, हमारा ही नहीं किया, सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी की है, योगी सरकार है, इसने उत्तर प्रदेश में बहुत सारा समय बर्बाद किया, भारत की सरकार ने समय बर्बाद करने का काम किया, तो ये जो समय बचा हुआ है इसको लेकर के हम लोग बड़ी रणनीति अभी बना रहे हैं, पूरे हर जिले में जाकर के इसमें ईवीएम का भी एक मुद्दा हमारा शामिल होगा, और यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो भी शामिल होंगे, ऐसे अलग अलग मुद्दे, हत्या बलात्कारों का मुद्दा है और महंगाई बढ़ती हुई जो है उसका भी एक मुद्दा है, इन तमाम चीजों को लेकर के, और ईवीएम भी एक मुद्दा है, इन सब चीजों को लेकर के हम लोग अभी मैदान में उतरने वाले हैं, वो जल्दी ही आपको हम लोग बताएंगे इस संदर्भ में, तो ये अभी हम लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं पूरी तरीके से जी। तो करे या ना करे, ये तो उन लोगों को करना चाहिए जो चीफ मिनिस्टर बनने की बात करते हैं, हम तो अभी हमारा संगठनात्मक ढांचा है, लोग हमारे एक आशा और उम्मीद एक रोशनी की किरण के तौर पर बहुजन मुक्ति पार्टी से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, मगर हमारा प्रोग्राम हम जनता के बीच में जो जाना चाहते हैं वो लॉकडाउन की वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी ये अनलॉक हो गया है, 75 डिस्ट्रिक्ट में भी अनलॉक होने का सारा हो गया है, अभी
सवेरे 7 से लेकर के शाम को 7 बजे तक का फ्री है, 2 डेज का अभी जो है फिर भी क्लोज है, तो यह भी संभवतः 15 तारीख के बाद में खत्म हो जाएगा। क्या ईवीएम चुनावी मुद्दा बनेगा क्या? बिल्कुल बन सकता है, पहले भी बना था। अब ये अखिलेश जी को, इनके जो विरोधी पार्टी के लोग हैं इनको भी उठाना चाहिए, मगर ये लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, इनको पहले से ही ट्रेप में फंसा के रखा है ऐसा महसूस होता है। बहन जी ने तो केस दायर करने के बाद में विड्रॉ किया, दायर करने के भी सबूत है उसके जो है, और विड्रॉ करने के भी सबूत है सतीश चंद्र मिश्रा जी के माध्यम से जो महासचिव है उनके जी। तो ये इनको पता नहीं किस बात का डर लग रहा है, ये तो केवल उसी व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं जिन्होंने हमारी हजारों पीढ़ियों को तबाह करने का काम किया। कोई परशुराम मूर्ति बनाने का काम कर रहा है, वो एक कह रहे हैं कि हम इतने फिट बनाएंगे उनमें कहेंगे, दूसरी कह रही है बहन जी कह रही हम उससे भी ऊंची बनाएंगे। तो जिन महापुरुषों के बल पर ये अपनी विचारधारा के आधार पर सरकारें बनाई, लोगों ने एक उम्मीद इनसे की थी, तो उन उम्मीदों पर ना समाजवादी खरी उतर रही है ना बहुजन समाज पार्टी खरी उतर रही है। इस तरीके से ये पूरे तरीके से अभी अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी से ही लोगों को एक उम्मीद नजर आ रही है, जिसको लेकर के हम लोग जल्दी ही अभी मैदान में उतर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी अभी जल्दी ही पहुंचने वाले हैं इधर। और जी, लेकिन जो जो आप मुद्दे उठा रहे हैं उसी प्रकार के कुछ मुद्दे अन्य जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाज की पार्टी की बात करें, तो वो लोग भी बयानबाजी तो करते हैं, अखबारों में उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, उनके द्वारा ट्वीट किए जाते हैं, तो क्या महागठबंधन बनाने की तरफ कुछ पहल आपकी तरफ से या जो आपके मुद्दों के आधार पर जो अन्य राजनीतिक दल है उनके साथ आपके कोई गठबंधन बनाने का प्रयास या ऐसे कुछ प्रयास होते हुए समाजवादी पार्टी के लोग हो, उन लोगों को यह पहल करनी चाहिए थी कायदे से, तो मगर वो कोई पहल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा हमें कहीं उत्तर प्रदेश में कोई किसी का बयान इस तरीके से आ नहीं रहा है अभी जो है। बाकी अभी किस करवट बैठेगा ये तो जैसे जैसे उन्होंने भी अपना काम शुरू किया है थोड़ा थोड़ा जो है जी बिल्कुल। अभी अभी समय है, एक साथ समय से पहले सारे पत्ते तो नहीं खोले जाएंगे, हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे होंगे। मेरा सवाल वैसे हम बताना चाहेंगे आपको कि बहुत सारे पार्टी के लोग इन दोनों से भी खपा है, इनके जो कार्य प्रणाली है समाजवादी की हो या बहुजन समाज पार्टी की हो, इनकी वजह से काफी सारे लोग जो छोटी छोटी पार्टी बना करके जो छोटे छोटे दल बना करके लोग जो है वो इस प्रयास में इस कयास में है कि हम लोग मिलजुल करके पहले गठबंधन बनाएं और उसके बाद में फिर हम लोग बड़ा महागठबंधन बनाने की दिशा में सोचें, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं मगर उनको समझ में नहीं आ रहा है अभी, जैसे अभी उसको दबाया जा रहा है। नहीं, मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग सारी पार्टियों से नाराज भी है, चाहे योगी का राज हो, चाहे बहन जी का राज हो, चाहे अखिलेश का राज हो, सारे राज में उत्तर प्रदेश की कस्ता हालत जो है हमने देखा कि किस तरीके से वो एक लॉ एंड ऑर्डर के मामले में या किसी भी मामले में उत्तर प्रदेश किस तरीके से पिछड़ता रहा, ये हमने देखा। मगर अभी 2022 के चुनावों में क्या मुद्दे होंगे? मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा, लव जिहाद का मुद्दा, या उत्तर प्रदेश में होने वाले एट्रोसिटीज का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा? इन मुद्दों में पिछड़ा वर्ग जो है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछड़े वर्ग की राजनीति या बहुजन राजनीति होती है, तो क्या लगातार ये जो सारे मामले देखे, 14 का भी चुनाव हमने देखा, 19 का भी चुनाव देखा, 70 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रही है, तो क्या बहुजन राजनीति की जो नींव है वो कमजोर होती जा रही है? क्या ये जो बहुजन बेस जो बना था उन बेस को टिकाने में ये पार्टियां या कोई वैचारिक आंदोलन उस अनुपात में सफल नहीं हो पा रहा? देखिए सर, क्या है कुमार साहब, जहां तक बहुजन राजनीति कमजोर होने की बात है तो पब्लिक विकल्प देख रही है अभी, इन सबको उन्होंने चेक करके देख लिया है, लेकिन ये उनकी उम्मीदों पर, उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतर पाए हैं। वो एक विकल्प चाह रहे हैं और वो विकल्प बनने के लिए बहुत बड़ा जो वेकेंट अभी सामने है वो एक उम्मीद केवल बहुजन मुक्ति पार्टी से लोग लगाए हुए हैं, उसको लेकर के हमने अभी लेटेस्ट 10 जून को ही स्टेट की बॉडी में यहाँ मीटिंग बुलाई थी हमने सारे प्रमुख पदाधिकारियों की, और हमने अलग तरीके से दिशा निर्देश जो उनको अपने संगठनात्मक ढांचे को और ज्यादा मजबूत करने के लिए सारा फैसले लिए हैं उस पर हमने अमल शुरू कर दिया है अभी जी।
मिश्रण साहब, ये जो नियुक्तियां होती है इसमें विपक्ष की भी भूमिका होती है, विपक्ष भी अपनी राय रखता है। अगर कोई जो आम आदमी को अभी जो समझ में आ रहा है, अनुप चंद्रा पांडे की अगर बात करें कि वो उत्तर प्रदेश के मतलब योगी के बहुत करीबी रहे हैं, उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस ने विरोध किया? क्या कांग्रेस भी चाहती है कि अनुप चंद्रा पांडे या इन जैसे बीजेपी के समर्थन वाले लोग ही चुनाव आयोग के अधिकारी बने? उनकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि राज बब्बर ने, अगर हम पांडे जी का मुद्दा लवासा के साथ जोड़कर देखें, जी अशोक लवासा, तो लवासा के लिए जिस तरीके से लवासा ने स्टैंड लिया था, कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया। लवासा को वहां से हटाने के लिए जो कोई ऑटोनॉमस बॉडी थी, उस ऑटोनॉमस बॉडी के आदमी को हटाकर सरकार ने उसको दूसरे जगह सेटल किया, किसी विदेशी बैंक में उसको सेटल किया। और इस बात को, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज जो सुशील कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो लवासा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते। अगर लवासा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते तो पांडे हैं कोई भी आता तो भी वो बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो लवासा को हटाने का जो षड्यंत्र केंद्र सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा हुआ, उसका विरोध करते हुए भी कांग्रेस को तो हमने नहीं देखा। सर अभी ये एक केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कोलिजन सिस्टम को लेकर। एक पिछली बार भी हमने उसके लिए चर्चा की थी, प्रशांत भूषण और बहुत सारे जो सोशलाइट से इनके द्वारा ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी लेकर गए हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स को नियुक्त करने के लिए कोलिजन सिस्टम बनाया जाए, और उसकी सुनवाई अभी पेंडिंग है और उस सुनवाई को पूरा भी नहीं होने दिया। उससे पहले आनंद फनन में ये पांडे की नियुक्ति की गई, तो क्या ये कोलिजन सिस्टम को सरपास करके ये सारी चीजें लागू की जा रही है? सरकार ऐसा कोई तंत्र लाना नहीं चाहती। तो अभी ये जो इम्पोर्टेंट इशू है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दीबाजी करके फैसला करना चाहिए था ना जी, वो भी तो कर नहीं रहे हैं, ये भी एक बात है। दूसरी बात, जो कॉलेजियम का प्रस्ताव है वो डिटेल क्या है वो हमारे जानकारी में नहीं है। अगर कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में जजेस का है तो चुनाव आयोग के लिए अगर प्रधानमंत्री, विरोधी पार्टी के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर इनका कॉलेजियम होता है, वही प्रस्ताव है, सुनिए, अगर ये होता है तो कांग्रेस और बीजेपी वो दो लोग है बहुमत से निर्णय ले सकते हैं जी। अलग से कोई उन्होंने बात नहीं उठाई उसमें ऐसे कोई। हाँ, तो फिर मेरा प्रस्ताव मैंने बताया था कि अगर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव है करना है जी, तो इलेक्शन सर्विस जी, IES, इंडियन इलेक्शन सर्विस शुरू किया जाना चाहिए जी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जी। और क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं होता जिस साल विधानसभा के चुनाव नहीं होते, जिस साल ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव नहीं होते जी, और 5 साल में कंपलसरी लोकसभा के चुनाव होते हैं। अच्छा, तो ये कोई कभी कभी होने वाला काम है नहीं, ये निरंतर होने वाला काम है। प्रशासन का एक हिस्सा तो साल भर में लगता ही लगता है। हाँ, डेली काम है, डेली चलने वाला काम है। वोटर लिस्ट को हर साल या निरंतर निरंतर वो 2400 घंटे चलता है जी, मॉडिफाई करते रहते हैं उस, हाँ, लगातार। तो अगर ये बात सही है तो परमानेंट काम करने वाली मशीनरी क्यों नहीं बनाई जाए जो ऑटोनॉमस हो जी। इंडियन इलेक्शन सर्विस, और इंडियन इलेक्शन सर्विस के नियंत्रण में ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक का चुनाव दे दिया जाए। दूसरा, उसमें ये रूल फ्रेम कर दिया जाए कि जो सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। और इसका प्रस्ताव जो 2 सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो राष्ट्रपति के सामने रखे,
और राष्ट्रपति उसको मान्यता दे, भारत सरकार का कोई रोल है नहीं इसमें, खत्म कर दे जी। अगर इस तरह का होता है तो जिन लोगों ने 30 साल 32 साल 35 साल जिन मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की सेवा की, जिनके आदेश पर अमल करने का काम किया, तो राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कौन से आईएएस अधिकारी का कैरेक्टर क्या है जी, काम करने का तरीका क्या है, उसमें से उनको चुनते हैं। अभी अब की बार अखबार वालों में एक खबर आई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो पहले नंबर का और दूसरे नंबर का अधिकारी था, जो भारत सरकार चाहते थे, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं चुना और तीसरे नंबर का जो अधिकारी था उसको चुना गया। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये खबरें जो है, खबरें भी मैनिपुलेटेड होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि इनकी सर्विस 6 महीने से कम है, इसलिए इनमें ये दो अधिकारियों में से किसी को भी कमिश्नर नहीं बनाया जा सकता, तो फिर भारत सरकार ने ऐसे अधिकारियों का नाम लिस्ट में क्यों रखा? वो इसलिए रखा क्योंकि तीसरे नंबर के आदमी का नाम अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा जो भारत सरकार चाहती है। ऐसे हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो फिर तो कानून है ना, तो जो 6 महीने के कम सर्विस वाले लोग जो है उनका नाम ही क्यों रखा? कुमार समझ में आ रहा क्या मेरा मतलब? जी सर। उसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रखना ही नहीं चाहिए था जी। तो इसका मतलब है दो नए और नाम ऐड हो सकते थे, ये नाम बाद हो गए, ऐसा कॉन्शियसली नहीं किया गया। मगर अखबार में खबर कैसे आई कि चीफ जस्टिस ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया और तीसरे आदमी को चुना। ये खबर जो है विश्वसनीयता पैदा करने के लिए गलत खबर दी गई ना, मैं आपको विश्लेषण करके समझा रहा हूं जी। ये खबर ही गलत थी कि चीफ जस्टिस ने नरेंद्र मोदी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है, बीजेपी के मंसूबों पर पानी कर दिया, खबर ही गलत थी। ये खबर गलत इसलिए लगाई गई ताकि इलेक्शन के बारे में विश्वसनीयता पैदा किया जा सके। शासक वर्ग का खेल है ये जी। मगर जिनके पास ज्यादा डाटा होता है वो सारे डाटों को मिलाकर के विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे मैंने करके आपको बताया जी सर। जी बिल्कुल। तो कॉलिजियम सिस्टम, इसलिए मेरा क्या कहना है, इसलिए मेरा ये कहना है कि यदि इंडियन इलेक्शन कमिश्नर का सिस्टम बनाया जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी का रोल खत्म हो जाएगा। जुडिशियरी की तरह जो सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस होता है, उसी तरह से सीनियर मोस्ट ऑफिसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा। लेकिन सर, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं कि जो भारत के अंदर संवैधानिक रूप से लागू नहीं है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लागू है, हाई कोर्ट में लागू है। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के जज हो, वो भी, उसको भी राजनीति इन्फ्लुएंस करती है, आईएएस अधिकारी जो है उनको भी इन्फ्लुएंस करती है राजनीति, भारत की जो पॉलिटिक्स है वो। तो क्या क्या आप कह सकते हैं, ऐसा क्या गारंटी है कि जो इंडियन इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा उसके द्वारा जो अधिकारी चुनाव अधिकारी बनेंगे उस पर राजनीति का प्रभाव नहीं होगा, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? दो तीन बातें उस संदर्भ में ध्यान देना जरूरी है। एक तो 100% नाम का सिद्धांत दुनिया में कहीं भी लागू नहीं है। 100% कोई भी चीज सही नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, अगर शासक वर्ग भारत का चाहे तो इलेक्शन सिस्टम जो है
वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट के लिए तैयार किया जा सकता है। और जो अधिकारी जिंदगी भर केवल इलेक्शन में ही काम कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उनको कोई पॉलिटिकल पोस्ट मिलने वाली नहीं है, ऐसी व्यवस्था कर दो तो पॉलिटिकल प्रभार को प्रभाव को कम से कम किया जा सकता है। अगर कम से कम भी किया जा सके तो भी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव की संभावनाओं को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर जी बिल्कुल। तो जैसे हमने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो 2022 का विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव को लेकर हम जो भी गतिविधियां हो रही है, जो भी तैयारियां हो रही है, फिर चाहे वो चुनाव आयोग की तरफ से हो या अन्य राजनीतिक दलों की तरफ से हो, उन तैयारियों के बारे में जो भी अपडेट जानकारी है या जो भी अपडेशन हो रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और MNTV पर हफ्ते में कम से कम एक वीडियो उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में। महेंद्र प्रताप कुछ बात आप कहना चाहते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष कुछ कहना चाहते हैं, उनको बोल लीजिए। सर संकेत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज। अनुज चंद पांडे जी की जो नियुक्ति अभी कमिश्नर के तौर पे हुई है चुनाव कमिश्नर के, तो आपको याद होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो 11 जून 2012 को VS संपत जी को चुनाव कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया था, तो वो सारा कांग्रेस ने बनाया हुआ खेल था। और वो पहले से जो दबाव था सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर के हो या किसी और को लेकर के, जो भंडाफोड़ किया था 10 साल तक, जो 4 से 14 की जो सरकार चलाने का काम उन्होंने किया, उससे पहले कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन को नियुक्त करने का काम किया। तो वो जो आपसी समझौता है NDA और UPA का, वो कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस इस तरीके से, तो वो उस शर्तों के तहत मुझे ऐसा लगता है कि वो 10 साल का कार्यकाल इनका भी पूरा होने जा रहा है। तो हो सकता है इन्होंने उस फर्क के तहत जो है, एक तो अपनी सीटें बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में खासतौर पर 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो जैसे कांग्रेस ने नियुक्त करके दिया था कि भाई हमने 10 साल घोटाला किया मगर तुम चुप बैठे रहो, अब 24 के फरवरी में सारा, जैसे मिश्रा साहब ने शुरुआत में कहा, मैंने थोड़ा सा सुना था, थोड़ा लेट जुड़ा था मैं, तो उस वक्त में उन्होंने अपॉइंट करके दिया, इस बार बीजेपी अपॉइंट करके दे रही है सारा ढांचा बना करके, कि अगर कोई चेंजिंग आती है और बीजेपी की तरफ से लोगों में ज्यादा बवाल खड़ा होता है, तो इसको लेकर के अनूप चंद पांडे जी को वहां पर जो है ये नियुक्त करके दिया हुआ है उन्होंने। तो ये सारा एक दूसरे को जोड़ करके एक दूसरे की पीठ खुजलाने का मामला है। कई सारे विश्राम साहब के जो स्पीच हमने उन्होंने सुने हैं, पढ़े हैं, तो ये कहते हैं कि एक दूसरे को मदद करने का काम ये लोग करते हैं, बीजेपी कांग्रेस के लोग जो शासक वर्ग के लोग हैं, ये बात सही है। और ये तो उनके चहेते अधिकारी हैं, योगी जी के चहेते अधिकारी हैं। केवल जो मतलब ये कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन है, NDA और UPA का गठबंधन नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का है। जो रीजनल पार्टी है वो तो मजबूरी में पिछले लोगों बनी हुई। जी बिल्कुल। तो ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जो भी अपडेशन हो रहा है, जो भी तैयारियां अलग अलग स्तर पर हो रही है, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। अनुप चंद्र पांडे जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव भी रहे हैं, उनकी नियुक्ति अभी चुनाव आयुक्त के तौर पर की गई है, तो उसको लेकर हमने चर्चा की। इस चर्चा में हमारे साथ वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्रा हमसे जुड़े, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया। इसके अलावा बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवेंद्र प्रताप सिंह जो नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया। इसके अलावा MNTV के मुख्य संपादक माननीय कुमार काले सर जुड़े, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर हम लोग ने जो कार्यक्रम बना रहे हैं, हफ्ते में कम से कम एक वीडियो इस पूरी जानकारी को लेकर हम आपको आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए MNTV। शुक्रिया।